हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में निकली है फायरमैन्स की वैकेंसियां। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने फायरमैन की वैकेंसियां निकाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि टोटल वैकेंसियाँ हैं कितनी। तो जो टोटल वैकेंसियाँ वो हैं 1679। इनमें अनारक्षित पदों की संख्या 841 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 453 है, अनुसूचित जाति के लिए 352 और अनुसूचित जनजाति के लिए 33 पदों पे आवेदन मंगाए गए हैं। कुल 1679 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। इसके साथ ही आपने यह बात भी याद रखनी है कि 2016 में भी भर्ती निकली थी, ये उसी भर्ती को आगे बढ़ाया गया है। यानी कि उनके फॉर्म जो फिल किए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए दोबारा से वैकेंसी निकाली है। और जिन्होंने पहले फीस कटवा दी थी, 200 रुपये उस टाइम पे फीस होती थी, अब फीस बढ़ा के 400 कर दी गई, तो उनको सिर्फ 200 रुपये ही फीस पे करनी होगी। इसकी अगर बात करें वेतनमान की, तो जो मैट्रिक्स लेवल 3 के अंतर्गत ये आती है और आपका बेसिक रहेगा 21,700 से 69,100 रुपये के बीच में। चलिए अब आगे विस्तार से इस वीडियो में आपको पूरी डिटेलिंग बताएंगे कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन आपको आवेदन करने के लिए जो प्रोसेस शुरू होगा वो आपका 8 दिसंबर से शुरू होगा और लास्ट डेट रहेगी 28 दिसंबर। उसके अलावा आप 31 दिसंबर तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो जो फीस होगी वो 400 रुपये रखी गई है, इसमें किसी को छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा जो 2016 में उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में फायरमैनों के पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत हुई थी, उस समय जिन्होंने 200 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा किए थे उनको सिर्फ 200 ही करने हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रीयता की बात करें तो आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको 12वीं पास होना कंपलसरी है, आपको 12वीं पास होना बिल्कुल जरूरी होगा। इसके अलावा आपको आयु की बात अगर करते हैं तो 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए, जो कि आपकी 1/7/2018 से गिनी जाएगी। यानी कि जिनका जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले हुआ है या 1 जुलाई 2000 के बाद हुआ है वो ये वैकेंसी का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये हम आपको सारे बताएंगे। इसके अलावा वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, आपको बिल्कुल फिट फॉर होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया के लिए आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको uppbap.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक लिखित परीक्षा होगी जो आपके चयन प्रक्रिया का हिस्सा होगी, वो 300 नंबर की रहेगी। उसमें आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि बल एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये आपकी एमसीक्यू टाइप को पेपर इसका लिया जाएगा। इसके अलावा फिर आपसे फिजिकल टेस्ट आपका होगा। उसके अलावा अगर आपकी हाइट की बात करें तो इसमें पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होना जरूरी है और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर बात करते हैं चेस्ट की तो 79 सेंटीमीटर होने चाहिए बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर सीने में फुलाव अनिवार्य है। उसके बाद शारीरिक दक्षता पर प्रशिक्षण होगा, जिसको आम भाषा में हम फिजिकल भी कहते हैं। जो वो फिजिकल होगा वो 4800 मीटर का होगा, 4.8 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं, और उसके लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी 25 मिनट के अंदर 4800 मीटर की दौड़ को पूरा करेगा
वही इसके शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण जो होगा उसको पार करने का लाभार्थी होगा और उसके बाद ही वो अगले चरण में प्रवेश कर पाएगा जो कि चयन प्रक्रिया का हिस्सा होगा। उसके बाद जो भी सूची होगी वो आपके वेबसाइट पर डाल दी जाएगी और वहां से आप बार बार चेक कर देंगे। उसके अलावा हम भी आपको बता देंगे। अगर बात करते हैं आरक्षण और आयु सीमा की, तो वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1994 या उसके बाद जो भी संशोधित हुए हैं उनमें जो भी वैलिड है वो आपको दिया जाएगा। आरक्षण की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 21%, जनजाति के लिए 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% दिया गया है। उम्र सीमा की छूट करें की बात करें तो 5 वर्ष के लिए दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2% आरक्षण और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण भी दिया गया है। ये वीडियो आपके सामने है, इसमें हम आपको पूरी डिटेल से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टडी बॉक्स चैनल। अगर आपने अभी तक स्टडी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आपको फॉर्म फिल करने से पहले वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर जाकर के ऑल नोटिफिकेशन से एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फायरमैन के लिए कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। उसके बाद सॉरी दोस्तों, आपको ऑनलाइन फीस भरने का या ऑफलाइन फीस भरने का ऑप्शन आएगा लास्ट में। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फीस फिल करते हैं तो आपको तुरंत कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन यानी कि आप खुद से बैंक में जा करके फीस सबमिट करना चाहते हैं तो वहां से एक प्रिंट आउट निकल जाएगा जिसको आप किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जा करके भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यही रहती हैं कि एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया और फीस सबमिट कर दी तो वो किसी भी हालत में आपको वापस नहीं की जाएगी और किसी भी अन्य दूसरे कैंडिडेट पर वो स्थानांतरित नहीं की जाएगी। इसके अलावा आप का फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। फोटो 20 से लेकर के 50 KB के बीच के साइज का होना चाहिए और जो सिग्नेचर है हस्ताक्षर आपका वो 5 KB से लेकर के 20 KB के बीच के साइज का होना चाहिए। फोटो आपका 6 महीने से पहला होना चाहिए। ये आप में कुछ बातें जर्नल सी बातें इसमें बताई गई हैं। फोटो सर्दियों का मौसम है तो आप कृपया करके जो फोटो खिंचाएं तो उसमें टोपी मफलर आदि पहन के ना खिंचाएं, चश्मा पहन के ना खिंचाएं। उसमें आपका चेहरा साफ साफ दिखा होना चाहिए, आपके दोनों कान दिखने चाहिए, वो किसी चीज से ढके हुए नहीं होने चाहिए। ये इसमें कुछ नॉर्मल सी जर्नलिस्ट सी बातें दी गई हैं। इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल फोन नंबर और एक ईमेल आईडी जो कि तत्काल प्रभाव से चालू होनी चाहिए वही आप इसमें यूज करना और आपकी आगे की सारी प्रोसेस इसमें वहीं पे दिखाई जाएगी। तो दोस्तों आप देख रहे थे स्टडी बॉक्स चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों।